بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین الكرام أحكام الدين کا پیش پر خدمته ہے آپ سؤالون جواب هم اسمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے تو آيه آج کا پہلا سؤال ہے हमारे भाई पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वज़ू करने के लिए हमाम में जाते हैं यानी टॉयलेट में वज़ू खाने में अंदर रहते हैं जहाँ शायद खाने की भी गुंजाइश रहती जिस घर में तो उस वक्त अजान शुरू हो जाती है अब उस अजान शुरू हो जाने के बाद हम क्या करें क्या हम अजान का जवाब दें जबकि हम बराबर सुन रहे हैं यह है कि हम चुपचाप रहें इसलिए कि हम टॉयलेट के अंदर हैं वज़ू करना है अभी तो हम यह कहना चाहते हैं कि भाई ये मुश्किल तो बहुतों को पेश आती है बिलाशुबा कि जब अजान होनी शुरू होती है या उसके पहले ही चले गए वज़ू करने के लिए टॉयलेट के अंदर वहाँ वज़ू करने की भी गुंजाइश है तो अब वो क्या करें उनके सामने दो मसले पेश आ जाते हैं अज़ान का जवाब देना और दूसरे की बैतुल खला में या जहाँ कदाए हाजत होती उस उस जगह में जहाँ वजू ख़ाना भी आजकल रहता है वॉशिंग बेसिन के साथ तो उस घर में अल्लाह का नाम लेना जिक्रुल्लाह करना मना होता है तो ये तद्द तो इन्हीं को नहीं बहुतों को पेश आती है कि क्या करें एक तरफ से एक वाजिब काम है कि अजान का जवाब देना चाहिए और दूसरी तरफ़ से एक काम जो है मना है महदूर है कि यहाँ अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता है तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए तो हम जवाबन कहें कि भाई यहाँ हकीकता दो चीज़ें जैसे आपने पेश किया है कि हम वहाँ रहते तो क्या करें काल आपको भी है कि वहाँ अल्लाह का नाम दिक, लेना जिक्राल्ला करना मना मना है और दूसरा यह है कि अज़ान हो रही है तो अजान में मौज़िन की अज़ान के साथ जैसे जैसे वो कलिमात कहता जाता है आपको भी जवाबन वही कहना चाहिए सिवाय हयाफ़लाकेवा कौतः अला बिल्ला है हर एक के जवाब में तो हकीकता यहाँ यह है कि दो चीज़ें आपस में टकरा जाती एक ही वक्त है और दोनों को करना है यानी अल्लाह का नाम नहीं भी लेना और लेना भी है तो कैसे हो सकता है तो इश्काल हकीकता बहुतों को पेश आता है और ये इस सिलसिले में कई बार सवाल भी होता रहता है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए अल्लाह तबारक को तआला के जिक्र को या अल्लाह ताला के नाम को या तलावत क़ुरान को ऐसी जगह करना चाहिए जो कि साफ़ सुथरी होती है और उनमें से जहाँ पर अल्लाह का नाम लेने से या तिलावत क़ुरान से रोका गया और ये भी कि आप कुरान मजीद को इसी जगहों पर ना ले जाइए वो बैतुल खला भी एक जगह है तो अल्लाह तबारक को तारा के जिक्र को महफूब रखने के लिए और उसको अच्छी जगह पर पे, पे कहने के के हिसाब से आपको यहाँ पर नहीं कहना चाहिए यानी आदान का जवाब नहीं देना चाहिए और ए, उस सिलसिले में मैं जैसे कहता हूँ कि किताब सुन्नत की रोशनी में तो किताब सुन्नत की रोशनी में जब हम रसूल की हदीसों में इसके बारे में देखते हैं तो एक हदीस आती है जिसमें यह है कि रसूल अलैहि वसल्लम कहीं पेशाब कर रहे थे एक आदमी उधर से गुज़रा और उसने आपको सलाम किया आपको देखा सलाम के रास्ते से गुज़र रहा था तो आपने उसका जवाब नहीं दिया ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है तो आपने उसका जवाब नहीं दिया तोवील है फिर अब हज़र तबर्रा का भी तस्कराया इस तरह का आया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया सलाम करने के बाद तो वसल्लम से पूछा तो बताया उन्होंने कि मैं आपने आपको जवाब नहीं दिया इसलिए कि मैं जुनूबी था मुझे गुसल की ज़रूरत थी और मैं गया घर पर आया गसल किया गसल करने के बाद आया फिर आपका जवाब दिया पर यहाँ पर है या इसी तरह से रसूल वसल्लम ने इनको जवाब नहीं दिया जैसे मैंने अभी मुस्यल, सही मुस्लिम की रवायत पेश की तो उसमें वजह यह है कि अल्लाह तबारक को तआला के ज़िक्र को महफूज रखना चाहिए ख़दाय हाजत के वक्त में बोलना अल्लाह का नाम लेना या बात करना किसी से भी मना है और इसी तरह से जहाँ टॉयलेट और बैतुलखला है उसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र करना तिलावत कुरान करना या कुरान मजीद पढ़ना या जिक्र अस्कार में लगना अल्लाह का नाम ही लेना ये वहाँ मना होता है ताकि अल्लाह के जिक्र को अल्लाह के नाम को ऐसी जगहों पर लिया जा सके जो मुनासिब हाल होती हैं ये मुनासिब हाल जगह नहीं है तो यहाँ पर जो चीज़ मना है वो मुकदम रखी जाएगी अजान का जवाब आप वहाँ से निकलने के बाद दे सकते हैं और उस जगह करें तो चूँकि आम तौर से शरीयत का कायदा यह है कि जहाँ एक हलाल चीज़ और एक हराम चीज़ टकरा जाती है एक ही वक्त में एक ही शख़्स से करने के लिए तो वहाँ पर हराम को मुकदम रखा जाता है यानी उसका हुक्म पहले नाफिज होता है और हलाल वाले का हुक्म बाद में लगता है ताकि हराम से लोगों को बताया जा सके ये काम भी मना है तो वहाँ बचना चाहिए आइए हम एक और सवाल की तरफ आते हैं सवाल में यह है कि क्या हम ऐसे ख़ानदान को सदक़ा व ख़ैर दे सकते हैं जिनके अंदर उनका ज़िम्मेदार यानी जो घर का जिम्मेदार है जो ख़र्च खबार का ज़िम्मेदार है जो पैसे इकट्ठा करता है जबकि उनके अंदर घर का ज़िम्मेदार गलत रास्ते पर चलता है मिसाल दिया जैसे उन्होंने कि वो सिगरेट नोशी करता है या इसी तरह से ऐसी महदूर चीज़ें घर में लाता ले जाता है जो शरीयत के हिसाब से नहीं लाना चाहिए और यह कि शराब नोशी करता है तो बताना चाहते हैं कि ये सवाल हमने इसलिए किया है कि उसकी तो ये पोजिशन है कि पैसा पाने के बाद इन सब चीज़ों में ख़र्च करता है जबकि घर की हालत ये है कि वो लोग परेशान हाल हैं और ए... उनकी ज़िंदगी और उनकी मीशत परेशानी में है तो क्या उनकी मीशत और उनकी ज़िंदगी को देखते हुए हम उसको सदक़ा व खैर उसकी तरफ दें यह कि उसके ग़लत इस्तेमाल के डर से हम उसे सदका व खैरत ना दें तो जवाब हमें बताना चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल में आपको यहाँ भी वही पेश आती है बात क्या आप मदद दे पैसा दे करके उसके गलत कामों में मदद करना चाहते हैं यह कि पैसा दे करके आप उसके परेशान हाल ख़ानदान की मदद करना चाहते हैं ऐसी सूरत में पैसा उसके हाथ में देंगे तो पहले हो सकता है अपने गलत कामों में इस्तेमाल करें फिर अगर बचेगा तो देगा वरना घर से भी खींच के ले जाता है ऐसा ऐसा आदमी जिसे किसी चीज़ की लत लगी रहती है ग़लत लत लगी रहती है और लत ग़लत ही तरह की होती है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए ने इस सिलसिले में ये हल पेश किया है कि बजाय इसके कि उसको पैसे दिए जाएं, जिसको वो जा करके दूसरी चीज़ों में ख़र्च करके अपने ग़लत रास्ते पे जाने की कोशिश करें और चल जाए उसके बजाय उन लोगों को ऐसी चीज़ देना चाहिए जो उनके इस्तेमाल में आती हो यानी आप बजाय नकद देने के ऐसी आईनी चीज़ें दीजिए ऐसी मादी चीज़ें दीजिए उनको इस्तेमाल करते हो खाने पीने की परेशानी तो चावल दाल वगैरह वगैरह जो खाने पीने के सामान होते हैं वो पहुँचाइए पहनने की परेशानी है तो कपड़े पहुँचा दीजिए दवा इलाज की परेशानी तो उनकी दवा पहुँचा दीजिए ये उस तरह से उनकी मदद कीजिए और पैसे देंगे तो हो सकता है वो गलत रास्ते में ले जाकर इस्तेमाल करो उसको पहले अपनी ही ज़रूरत को मुकदम रखता है ऐसे हालात देखे जाते हैं कि घर की हालत परेशान है और इसके बावजूद भी उन्हें अपनी जो लत पड़ी हुई है सिगरेट नोशी की या ही शराब नोशी की या और गलत कामों की ले जाके पैसे पाने के बाद वहीं ख़र्च करता है इंसान पहले इसलिए कि वो शैतान वहाँ पर उसको जगा करके सीधे उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है जबकि पहली ज़रूरत ये थी कि इंसानी ज़िंदगी को बचाना चाहिए और उसे उनकी मदद करना चाहिए जो भूख से परेशान हैं जो कपड़ों ना होने से नंगे रह जाते हैं या इसी बीमारी परेशान हाल हैं और भी इस किस्म की मुश्किल आती हों तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ये देना चाहिए उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि हकीकता एक तरफ तो उनकी सूरत हाल है जिसमें वो परेशान हाल है जिसकी बुनियाद पर आपको देख करके ये ज़रूरत होती है कि आप उसको दें उनको दें लेकिन उस खौफ़ से कि वो गलत रास्ते में ख़र्च हो जाए इस डर से नहीं देना चाहते हैं इसीलिए हल क्या है कि उनको देना चाहिए या है कि ऐनी चीज़ें ऐसी मादी चीज़ें दीजिए जिसको उनके खर्च में इस्तेमाल होती हैं वजह मैं बताना चाहूँगा उसकी ये काम ये जवाब देने की वजह क्या है वजह यह है कि इसकी ग़लतियों इसकी गुनाहों की वजह से इनको सदक, उन सबको सदकों का मुस्क ना मानना ये अच्छी बात नहीं है बल्कि ये भी कहा जाएगा कि उसके शराब पीने से उसके सिगरेट पीने से गलत रास्ते में ख़र्च करने से ईमान कुल्ली तौर पर उससे नहीं निकल जाता है यानी हम उसको काफिर का हुक्म नहीं दे सकते हैं तो जब नहीं दे सकते हैं तो उसका इस्तेहकाक बाकी रहता है उसका बाकी रहता है उनको जक़ात दी जा सकती है उनको व खैरात दिया जा सकता है और चूँकि हमने ये बताया कि उन्हें देना चाहिए ऐसी चीज़ जो उनके हकीकता डायरेक्ट ख़र्च में आती हो ताकि इस रास्ते पे जिसे वो ख़र्च कर सकता है उसको रोका जा सके तो एक तरफ़ से इस तरह देने में बुराई से रोकने का रास्ता भी पाया जाता है और दूसरी तरफ से उनकी मदद भी हो जाती है लेकिन आप बिना सोचे समझो उसी को ऐसे ही पैसे और रुपए और नकद देने की कोशिश करें तो ये अहतमाल बढ़ जाता है कि पहले अपने गलत कामों में ख़र्चा करें फिर बाद में दें लिहाज़ा उनको देना चाहिए जो उनके ख़र्च में आ सके ताकि बुराई से बचा भी जा सके बुराई के रास्ते में ना ख़र्च हो सके आपका दिया हुआ पैसा जबकि आप जानते हैं कि वो ख़र्च गलत रास्ते में करता है और दूसरे रास्ते से उनकी मदद भी हो सका हो सके जो इसके मुस्तक़ होते हैं आइए एक और सवाल की तरफ़ आते हैं हम सवाल में ये है जो एक आम बलासी है बहुत से लोगों के पास जिसने शौक़ होता है उससे से हमारे भाई पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि हमने देखा हमारे भाज भाई अपने मोबाइल में कुरान मजीद की कुछ आयतों को सेट किए रहते हैं या इसी तरह से अजान सेट किए रहते हैं ताकि ये जब बजे तो उनको इंतबाह हो जाए लेकिन ये बजने का टाइमिंग नहीं सेट किए रहते हैं कि इस टाइम पे बजना चाहिए जिस वक्त अजान का वक्त होता है बल्कि ये मोबाइल की रिंग टोन ही इसी तरह से रहती है तो कहते हैं जब वो रिंग टोन बचती है तो उसके बाद वो उसको उठाते हैं लेकिन हमारे भाई का सवाल ये है कि क्या इस तरह से अल्लाह ताला के कुरान मजीद की आयतों को सेट करके रखना रिंग टोन के तौर पर या अज़ान को सेट कर रखना क्या ये सही है तो हम बताएंगे कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है वजह क्या है वजह यह है कि अल्लाह तबारक तआला की आयत इस तरह से इसलिए नहीं नाजिल की गए कि आप उसको रिंग टोन बनाइए और उसको अपनी मर्जी से जब चाहिए चालू कीजिए जहाँ चाहिए आप जहाँ चाहिएगा मतलब भी नहीं है बल्कि वो तो आपके बिना चाहे भी ऐसी जगहों पे वो स्टार्ट हो सकती है जिसको वहाँ नहीं खुलना चाहिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बैतुल खला के अंदर अल्लाह का नाम लेना इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करना उसकी आयात को हम बुलंद करना ये दुरुस्त नहीं है लेकिन रिंग टोन में क्या ज़रूरी है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ नहीं बजेगा ज़रूर बजेगा जब कोई इस्तेसाल करता है फ़ोन लगाता है या इसी तरह उसे उसे तो नहीं पता है कि आप कहाँ होते हैं इस वक्त तो वहाँ वो घंटी बज सकती है इसी तरह से कभी वो घंटी बज सकती है जहाँ आप किसी से बात में मशगूल और आप नहीं उठाना चाहते तो बीच में काट सकते हैं जहाँ आयत पूरी नहीं होती और आयत बचने के साथ ही कुछ ही आवाज़ आती जैसे आप काट दे इसी जगह पे काट देते हैं जहाँ नहीं काटने बल्कि अल्लाह की आयत को सुनना चाहिए या इसी तरह से ऐसे अंदाज़ में उसको ऐसी जगहों पे सुनाते हैं जहाँ लोग जज्वेज हो जाएं और वहाँ कुरान मजीद की इस आवाज़ को भी बुरा समझें तो वैसे भी बहुत सी जगहों पर होता है कि आप वहाँ कुरान मजीद भी नहीं पढ़ सकते जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और आप मस्जिद में हैं या उसके बगल में हैं तो आपको कुरान मजीद पढ़ के तशवीश नहीं करना चाहिए जैसा कि हदीस में बयान किया गया है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो आपको बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए ताकि उसकी नमाज में तशवीश ना हो तो आपके रिंग टोन का कोई मामला तो है नहीं कि आपके हाथ में जब चाहते हैं बजे जब चाहे बंद कर रखें अगर आप बंद किए रहें तब तो यह हुक्म दूसरा हो जाता है जैसे कि बजे ही नहीं आप साइलेंट पे रखें उसको मोबाइल ही बंद किए रहें तब तो ठीक है लेकिन ऐसा कहाँ हर जगह हो पाता जिसमें इंसान ऐसी जगहों पे पहुँचता हो जिससे नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँचता और दूसरे नमाजी भी हों यह कि अपने जेब में अपना मोबाइल रख के जाता हो बैतुलखला में और उसे हमेशा याद रहता हो कि हमें इसे बंद रखना चाहिए बाहर निकाल के जाता हो तो जब यह अहतमाल है कि आपके हाथों से इसका इस्तेमाल ग़लत वक्त में गलत अंदाज पर हो सकता है जहाँ पर शरीयत मना करती है तो फिर आपको इससे बचना चाहिए और ये बात भी सोचना चाहिए कुरान मजीद को इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि आप उसको रिंगटोन बनाएं और ऐसी जहाँ वक्त बेवक्त बच जाए और आप काट दें यह है कि मोबाइल बजे और ऐसे बीच में आप काट के उठा लें जहाँ पर नहीं आपको रोकना चाहिए कुरान मजीद की आयत को मुकम्मल होना चाहिए तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर कुरान मजीद की बात जब नहीं पूरी होती बीच में काट देंगे तो मतलब बदल जाएगा उसका कुछ और मतलब बनेगा तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो इसी सूरत पर जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुरान मजीद के साथ इस अंदाज़ से तामिल करना ये गलत होता है लिहाजा इस मुनासिबत से कुरान मजीद की आयतों को या किसी भी आयत को आप रिंग टोन के डाल पर तौर पर डालते हैं ये सोचते हुए कि हमें इस कारी की आवाज़ पसंद है या फ़ला आयत से हमारी मुनासिबत ज़्यादा है उसको हम सुनते हैं तो हमें ले, हमारे लिए कोई ख़ास नसीहत होती है ये नस, आपका जज्बा दुरुस्त सही लेकिन उसका इस्तेमाल चूँकि ऐसे वक्त में भी हो जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए इस मनासिबे से कहते कुरान मजीद की आयतों को रिंग टोन के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है इसलिए कि नतीजतन गलत जगहों पर या गलत अंदाज़ में उसका इस्तेमाल हो सकता है और इसी तरह से इस सवाल में एक बात ये भी आई है कि अजान को भी डाल सकते हैं कि नहीं अजान का मामला कुरान मजीद की आयत की तरह से नहीं है उसका मामला इससे कुछ हल्का है इसलिए कि अजान के आवाज़ जवाब में कोई ज़रूरी कि आप वहाँ हमाम जवाब मना है और इसी तरह से आपके लिए बीच में उसको काट भी सकते हैं बंद कर सकते हैं अज़ान के जवाब का मसला ये नहीं जैसे कुरान मजीद की समा और इसकी तिलावत का मसला है लिहाजा इसका मामला थोड़ा आसान है कि आप इसको बंद कर दें वहीं बीच में रोक दें या कि उसकाइलेंट कर दें या है कि आप और, को और कोई तरीका अख्तियार करें ये सही ये मुमकिन हो सकता है लेकिन इसलिए कि उसकी अजान की आवाज़ को तो आप रोक नहीं सकते आप हमाम में होते हैं टॉयलेट में तब तो भी अजान की आवाज़ आती है आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो आपके हाथ में था लेकिन बताना यह है कि अजान की आवाज़ आने से वो मसला पैदा नहीं होता जो कुरान मजीद की तिलावत आप वहाँ ख़ुद से करें खुद से करने और कहीं से आने में फ़र्क होता है आपके अख्तियार में जो है आपको नहीं करना चाहिए लिहाजा ऐसी जगहों पर उन चीज़ों का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है जो कि महतरम और मज्ज़ होती हैं आइए इसी जवाब के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपके सवाल होंगे हमारी जानिब से उनके जवाब किताब सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर से रखे और हमारे जो भाई बहन आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचाते हैं या किसी का भी इसमें कोई किसी किस्म का कोई ताउन है तो अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और अपनी आफियत में रखे असलकुम वरहि व व बरकातहू